हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ ना, आप पूरे यूट्यूब में ढूंढोगे तो ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। पूरा देखिएगा और समझिएगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और तम्बाकू वगैरह खाते हैं। मैं उसका सहयोगी नहीं हूँ, मैं उसका सहमत आपको नहीं दूंगा, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप गुटखा खाइए या ना खाइए। क्योंकि कुछ लोगों के पास शौक होती है और शौक के लिए गुटखा खाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये शुद्ध प्लस है, मैं दिखाता हूँ कैमरे के सामने, शुद्ध प्लस है। और कुछ इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी चाहिए और आपको देखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पान वगैरह खाते हैं तो कोई बुराई नहीं है यार, खाने वाली चीज़ है तो खा ही सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकसानदायक भी है। तो सजेस्ट मैं नहीं करूँगा कि आप लोग खाइएगा, क्योंकि जो नुकसानदायक है वो तो खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है, उस पर लिखा भी होता है। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, आखिर इसको गुटखे को खाने का सही तरीका है जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। वैसे ही बस फाड़े खाए जा रहे हैं। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं खाया जाता है, वैसे आपको नुकसान करता है, आपके शरीर में पता नहीं क्या क्या जाके करता है। लेकिन मैं जो आज तरीका बता रहा हूँ, अगर खाने वाले लोग हैं तो आप खाइएगा, तो थोड़ा सा इस तरीके से खाएंगे ना तो आपके सेहत में बहुत मतलब कम नुकसान होगा। नुकसान तो होगा यार, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सरकार या फिर कोई भी इंसान मतलब कोई कहता है यार कि नुकसानदायक है, तो मैं अकेले क्यों कहूँ कि ये लाभकारी है, बेवकूफ़ कहेंगे ना लोग। इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से यदि आप खाएंगे तो कम नुकसान करेगा और आपको मज़ा भी आएगा और आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे। तो तरीका क्या है ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजाइएगा उस घंटी को, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा। मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सही तरीका क्या है और किस तरीके से गुटखा को खाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये शुद्ध प्लस पान मसाला है। मैं किसी गुटखे का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तम्बाकू कैजस पेनफुल डेथ, मतलब बहुत दर्दनाक मौत होती है ये खाने से, ठीक है। लेकिन लोग उसके बावजूद भी खाए जाते हैं, तो मैं मना नहीं करूँगा कि आप मत खाइए, क्योंकि आप लोगों का शौक है। लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से खाएंगे तो आप बच जाएंगे और मतलब सुरक्षित रहेंगे। देखिए ये जो गुटखा है, यहाँ पे मैं इसको डाल के दिखा रहा हूँ, अगर शुद्ध प्लस वाले भाई अगर मेरे को देख रहे होंगे तो कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन मैं सबके लिए बता रहा हूँ। और ये देखिए ये गुटखा है, इसमें कुछ पाउडर वगैरह होते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ कि इसको बिल्कुल छान करके ऐसे सही तरीके से आंखों से देख करके, या फिर इसको हथेली पे ले करके मतलब बिल्कुल तरीके से इसको बारीकी से देख करके, और जो है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। और जब ऐसे आप छांट लेंगे, जो ये चीज़ है इसको आप निकाल लीजिए, ये जो चीज़ है इसको आप अलग कर लीजिए, और ये जो चीज़ है जो पाउडर टाइप है, इसमें भी काफ़ी मेहनत लगता होगा कंपनी वालों को, भाइयों को बनाने में, क्योंकि ये सब तो आप जानते ही हैं कि इधर उधर नहीं मिलता है। इसको अलग कर लीजिए। और जो ये जो चीज़ सुपारी वगैरह है, इस ये चीज़ें नुकसानदायक तो यार हर चीज़ होती है, आप सब्ज़ी भी खाएंगे तो वो भी नुकसानदायक है अगर ज़्यादा खा लेंगे तो ठीक, वैसे ये भी है। तो अगर ये चीज़ अगर नहीं खाएं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर यदि इसको भी खाना है तो आप इसको भी आप ऐसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप देख करके आप देख सकते हैं, और फिर इसको एक में ऐसे करके मिलाइए। जो खाने वाले व्यक्ति हैं भाइयों, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नहीं खाते हैं मत खाइएगा, कभी जीवन में मत खाइएगा, क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं करता है बल्कि नुकसान करता है। शौक में लोग खाते हैं, शौक बड़ी अच्छी चीज़ भी होती है और बुरी चीज़ भी होती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप ना खाएं तो बेहतर है। लेकिन खाते हैं, आदि हैं, मतलब बिल्कुल इसके बगैर आप जी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल बारीकी से देख करके खाइएगा, आपके लिए सुरक्षित रहेगा, ठीक है दोस्त। ऐसे मिला करके और फिर खाइएगा, लेकिन हथेली पे या कागज़ में उसको देख लीजिएगा अपनी आँखों से कि उसमें है क्या, क्या पता बनाने में मिस्टेक हुई हो, क्या पता कुछ गलती से रह गया हो, तो आप ऐसे फाड़ करके मुंह में खा जाते हैं, तो वैसे ना कीजिएगा।
बस यही छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था, मैंने सोचा भाइयों को दे दूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए देता रहता हूँ। अगर कमेंट करते हैं अच्छी, मतलब कमेंट आती है, तो मैं एक और नया आइडिया है जो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।